तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप करनाल से देख रहे हैं, जहां पर महिला शिक्षक जो है, गेस्ट टीचर्स जो है, वो मुंडन करा रही हैं। सामूहिक मुंडन का ऐलान उनकी ओर से किया गया था, गेस्ट टीचर्स की ओर से। एक महिला के इस तरीके से बाल उतारना, काटना कैसा? बहुत ही कष्टप्रद अनुभव हो रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। शिवराज मामा हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसको अपनी व्यथा कह के सुनाएं? भारतीय संस्कृति में बाल उतारना कितना अजीब है। तो क्या शिवराज मामा को पता नहीं है इस बात का कि भारतीय संस्कृति क्या है, वो भारतीय धर्म है क्या? हम क्यों इतने मजबूर हैं कि ये सब करने के लिए हमको करना पड़ रहा है? तो सुना आपने कि किस तरीके से महिला शिक्षक जो है वो अपनी व्यथा यहाँ पर सुना रही हैं। मुंडन उनकी ओर से कराया जा रहा है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर यहाँ पर वायदा खिलाफी का भी आरोप लगाया है, क्योंकि पहली कलम से नियमित करने की बात उन्हें कही गई थी सत्ता में आने से पहले सरकार ने, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, उन्हें नियमित नहीं किया गया है। प्रदर्शन उनकी ओर से लगातार किया जा रहा था, और इसी के साथ अब उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि सामूहिक मुंडन उनकी ओर से कराया जाएगा, और अब महिला शिक्षक जो है वो सामूहिक मुंडन करा रही हैं। शहीद की पत्नी और बेटे ने भी अपना मुंडन कराया है, तो सरकार जो है सुध इनकी नहीं ले रही है, जिससे जो गेस्ट टीचर्स हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना है कि लगातार अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से भी उन्होंने प्रदर्शन किया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंसू जो है महिलाएं यहां पर बहा रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा, इसी के चलते अब उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। वो सामूहिक मुंडन आज करा रही हैं, करनाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतिथि शिक्षकों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार पर यह बड़ा कदम उठाने की सोची है, ठानी है, और मुंडन उनकी ओर से कराया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार को जगाने के लिए ये कोशिशें लगातार उनकी ओर से की जा रही हैं, और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, सरकार उनके सुध नहीं लेती, वो प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे।